Hello students, welcome in RCI Education of Online Class. Dear students, now we discuss about the atomic models. Students, atomic models से अपन अब एटम के बारे में क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे कि एटम की स्ट्रक्चर कैसे होती है. अपन ने इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दैट मीन्स एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात क्लियर कर ली. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज. उसी के बेस पे साइंटिस्ट ने अपने अपने एटॉमिक मॉडल शो किए. दैट मींस आपका एटम किस टाइप का होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन. उससे रिगार्डिंग आपका फर्स्ट मॉडल रिप्रेजेंट किया. आपका पहला जो मॉडल था, आपका फर्स्ट मॉडल, वो है थॉमसन एटॉमिक मॉडल. कौन सा है? थॉमसन एटॉमिक मॉडल. इस मॉडल के कई नेम है, जैसे इसको अपन कहते हैं पुडिंग मॉडल, दूसरा है आपका रेजिन मॉडल, और तीसरा नाम इसका वाटरमेलन मॉडल. इन नाम से भी इस मॉडल को जाना जाता है. थॉमसन मॉडल, आल्सो नोन एज पुडिंग मॉडल, रेजिन मॉडल एंड वाटरमेलन मॉडल. ये क्लियर है? क्यों है, क्या है, कैसे है, वो सारी चीज अपन एक्सप्लेन करेंगे. तो इन नाम का भी आपको ध्यान रखना है कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल, आल्सो नोन एज पुडिंग मॉडल, रेजिन मॉडल एंड वाटरमेलन मॉडल. क्लियर? अब थॉमसन ने इस मॉडल के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवरी के बाद क्या कहा, कैसे रिप्रेजेंट किया, देखिए. थॉमसन ने कहा एटम इज ए कंसिस्ट बाय स्फेरिकल सेल इन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट. बरा सुनिए, थॉमसन प्रपोज एटॉमिक मॉडल इन विच एटम कंसिस्ट बाय ए स्फेयर इन विच पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड. क्लियर? इन विच नेगेटिवली चार्ज आर एम्बेडेड एज ए रेजिन. जिस टाइप से आपके केक के ऊपर कुछ लगे हुए होते हैं आपके रेजिन टाइप, या वाटरमेलन में जो आपका रेड पार्ट होता है वो तो हो गया आपका पॉजिटिव पार्ट, और उसमें जो सीड होते हैं वो हो गया आपके नेगेटिव चार्ज. तो थॉमसन ने यही कहा कि आपका स्फीयर लाइक एटम है, उस एटम में पॉजिटिव चार्ज आपका इस तरीके से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, और उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज एज ए रेजिन, एज ए सीड इस तरह से एम्बेडेड है. इसको अपन कहते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल. इसी वजह से इसको पुडिंग मॉडल या रेजिन मॉडल या वाटर मेलन मॉडल कहा जाता है. ये वाला जो आपका पार्ट है, ये कौन सा है? आपका पॉजिटिव पार्ट है. क्या है? आपका पॉजिटिव पार्ट. और ये वाला कौन सा है? आपका नेगेटिव पार्ट है. इसको किससे रिप्रेजेंट कर रखा है? इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर रखा है, इलेक्ट्रॉन से. और आपका ये क्या है? थॉमसन एटॉमिक मॉडल. क्या है? थॉमसन एटॉमिक मॉडल. क्लियर बेटा? थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल आपका क्लियरली नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है. बट जब इस मॉडल पर सभी साइंटिस्ट ने डिस्कस किया तो ऑब्जर्व किया कि ये मॉडल आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज अपन ने पहले ही क्लियर कर दिया एटम इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, और यहां पर जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है. जो चार्ज है वो क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट
नहीं है, उस वजह से इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर आगे के लिए जो मॉडल आया वो कौन सा था आपका, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। कौन सा था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आई होप आपको ये मॉडल समझ में आया होगा, इजी है, आपने पढ़ रखा है, बट इस रिगार्डिंग आपको ये इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट।